वसे जी जिने कायम उदर रचाई अला जी सुनावे मूला सुनावे का जी यह सृष्टि कोणे रचाई अला। आने वाले मेहमानों से दरखास्त की जाती है कि एक बार सलवात पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। बुजुर्गों दोस्तों और मेरी माँ बहनों, आज की हमारी मजलिस कुल रूहानी के इसाले सवाब के नियत से अरेंज की गई है और साथ साथ में पिछले साल कुछ महीनों में कुछ दिनों में हमारे साथ चलने फिरने वाले लोग भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते अल्लाह तबारक तआला कुल मोमिन मर्द और कुल मोमिन औरत की मगफरत फरमा दे और साथ साथ में जो अभी अभी इंतकाल कर चुके हैं पिछले साल या कुछ दिनों में, अल्लाह से दुआ करते अल्लाह तबारक तआला उन सारे लोगों की भी मगफरत फरमा दे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आने वाले मेहमानों का कि इस मजलिस में आकर सवाब के लिए और मगफरत की दुआ के लिए शामिल रहे, उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ में पूना वाले जितने लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और इस तरीके से हमारे सोमजी फैमिली के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में मनोर साहब पीर भाई वो भी आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आकर इस काम में साथ दिया है अल्लाह के खातिर, उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम अता फरमा दे। आज का हमारा जो प्रोग्राम जो है इस आले सवाब का, तो इंशाअल्लाह कुरान करीम की वो आयत है सूरह आले इमरान की। ईसा अलैहि सलातो वसलाम ने अपनी जबान से जो बात पेश की है अल्लाह ताला ने पसंद की और कुरान करीम में अल्लाह ने शामिल कर दी। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम फाबुदुहू हाजा सिराते मुस्तकीम। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, ईसा अलैहि सलातो वसलाम की जबान को पेश करते हुए कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है। तो ईसा अलैहि सलातो वसलाम फरमाते हैं कि मेरा रब भी अल्लाह है, तुम्हारा रब भी अल्लाह है, सो तुम उसकी इबादत करो। हाजा सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। 1981 में हाजिर इमाम ने भी इस आयत को लेकर लोगों के सामने पेश की और ये नसीहत फरमाई कि सिरातल मुस्तकीम पर चलो। और इसी तरीके से कुरान करीम में 40 से ज्यादा जगहों पर अल्लाह तबारक तआला ने इन बातों को पेश की है, सिरातल मुस्तकीम को पेश किया है। मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों को समझाने की पूरी कोशिश की है। अब सवाल पैदा यह होता है कि सिरातल मुस्तकीम क्या चीज है, सिरातल मुस्तकीम क्या है? तो सिरातल मुस्तकीम कुरान करीम की आयत है। कुरान करीम की इब्तिदा होती है सूरह फातिहा से। मिफ्ता कहते हैं अरबी में चावी को, मिफ्ता कहते हैं चावी को,
और कुरान जो है सूरह फातिहा से शुरू होती है, शुरू चाबी खोलती है, चाबी जो लॉक को खोलती है, ताले को खोलती है, इसी तरीके से कुरान जो है खुलता है सूरह फातिहा से, इसलिए इस सूरत का नाम रख लिया गया सूरह फातिहा, कुरान को खोलने वाली सूरत। अब यही सूरत में चौथे नंबर बंदा जो है अल्लाह तबारक ताला के सामने इल्तिजा करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अक्सर हम देखते हैं कि दुआओं में, इबादतों में, मस्जिदों में, इबादत खानों में ये सूरत पढ़ी जाती है और बंदा जो है अल्लाह के सामने ये इल्तिजा करता है, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझे से मदद चाहता हूं। तो क्या मदद चाहता है? मदद चाहता है इहदिनस सिरात, पांच नंबर का इहदिनस सिरात मुस्तकीम, अल्लाह सीधी राह पर चला दे, हिदायत अता फरमा, सच्चे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तो मांगता तो बहुत कुछ कर सकता था, मांगने का तो बहुत कुछ था, दुनिया थी, आकरत थी, औलाद थी, बीवी थी, बच्चे थे, दुनिया की दौलत थी, सब कुछ मांग सकता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि बंदे को सबसे ज्यादा कीमत वाली चीज कौन सी है, अल्लाह को मालूम है कि बंदों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है, तो सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके लिए हिदायत है। तो अल्लाह ने अपने तरफ से तालीम दी कि इस तरीके से मेरे सामने बात पेश करो कि तुम कहो कि मैं तेरी इबादत करता हूं, तुझे से मदद चाहता हूं, और मुझको मांगता यही हूं कि तुम मुझको हिदायत की राह पर चला दे। इस कुरान करीम की आयत है जिसको हाजिर इमाम ने हमारे सामने पेश की है। बंदे को चाहिए कि तलाश करे, जब कोई बड़ा इंसान, कोई बुजुर्ग इंसान जब अपनी बात को पेश करता है तो बहुत कम अल्फाजों में बातों को पेश करते हैं। अल्लाह के जो बंदे होते हैं, बड़े बंदे होते हैं, महापुरुष होते हैं, कम अल्फाजों में काफी चीजों को पेश करते हैं। इंसानों को चाहिए कि उसमें तलाश करें। इसी तरीके से सूरह यासीन में भी है, शुरू में सूरह यासीन में अल्लाह तबारक तआला शुरू में इरशाद फरमाते वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। सूरह यासीन तो हम सब पढ़ते हैं, सारे मुसलमान के जितने फिरके वाले सब पढ़ते, इसलिए कि अल्लाह ने उसमें बरकत भी रखी है, इसाले सवाब भी रखा है, मरने वाले के नजात मिलती है, रूह अगर सकरात में है, बंदा सकरात में है तो सूरह यासीन पढ़ने से रूह आसानी से निकल भी जाती है, काफी फायदे सूरह यासीन के। तो सूरह यासीन शुरू में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हुए वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। वल कुरआनिल हकीम, कसम खाई अल्लाह ने, किसकी कसम? कसम खाई कुरान पाक की। वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप हमारे रसूलों में से हो, अला सिरातिल मुस्तकीम, और आप जो है सीधे राह पर हो। मकसद के अगर तलाश करनी है कि सीधी राह कहां से मिल सकती है, तो जिस तरीके से मुनर साहब ने आपके सामने बातों को पेश की कि मुख्तलिफ हक है, एक तो अल्लाह का हक है और इसी तरीके से मुख्तलिफ बंदों के हक है, कि किस किस तरीके से, यूं नहीं है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत कर ले तो पूरे हक अदा हो गए, नहीं, पूरी कामयाबी हो गई, नहीं, अल्लाह की इबादत के साथ में, अल्लाह के हक के साथ में, जब तक के बंदा पूरी तौर पर कोशिश नहीं करता बंदों के हक अदा करने की, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। तो सूरह यासीन में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि आप सीधे रास्ते पर हो। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहेते सहाबी के साथ थे, जमीन पर रेत है, हाथ में असा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असा के जरिए से एक आड़ी टेढ़ी लेकर सीधे हाथ की तरफ की, और इसी तरीके से उल्टे हाथ की तरफ आड़ी टेढ़ी लेकर की, और एक लकीर सीधी ऐसी खींची और अपने तरफ ले ली। सीधी खींचने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया वालों की राह है, ये और लोगों की राह है जो बिल्कुल आड़ी टेढ़ी चलती है, यहां पर भी, यहां पर भी, और ये जो राह जो है ये मेरी है जो अल्लाह तक पहुंचती है, हाजा सिरातल मुस्तकीम, और यही सीधा रास्ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चलता है कि जो नबी की जिंदगी है वो भी सिरात पर चलती है, सिरातल मुस्तकीम, सिरात कहते रास्ते को, लेकिन मुस्तकीम इस्तकामत, सही रास्ता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से सारी चीजें सीखने मिलती है। इसी तरीके से सूरह आले इमरान में, आले इमरान में वहां पर भी जिक्र आता है सिरातल मुस्तकीम का, वो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान। सूरह आले इमरान की 49 नंबर की आयत है, उससे भी हम गुजरते हैं, जरूरी है वो भी। देखो 49 नंबर की आयत में ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बात पेश की अल्लाह ने वो उसको पसंद की है। हजरत ईसा की जबानी, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लाया हूं,
मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लाया हूं, मैं मिट्टी का पंछी बनाता हूं। मिट्टी के बर्तन भी तो बनते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का पंछी बनाते थे। मिट्टी का पंछी बनाने के बाद में उसमें फूंकते थे, फूंकते थे तो उसमें जान पैदा हो जाती थी और फर्र करके उड़ जाता था पंछी। मिट्टी का पंछी, मिट्टी का बनाया हुआ पंछी, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम फूंकते थे, उसमें जान पैदा होती थी, सारे लोगों के सामने पंछी उड़ जाता था। तो फरमाते कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूं कि मिट्टी का परिंदा बनाता हूं, फूंक मारता हूं, वो परिंदा बन जाता है अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के हुक्म से, ये नहीं कहा कि मेरे हुक्म से। फूंक मारते थे कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। और जान कौन पैदा करते थे? अल्लाह तबारक ताला। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोनों खुलासा कर दिया कि फूंक तो मैं मारता हूं, जान मेरा रब डाल देता है। फिर इरशाद फरमाया कि मैं अच्छा कर देता हूं मादरजात अंधे को, जो नाबीना मादरजात यानी मां के पेट से जो नाबीना पैदा होता है, जिसको आंखों में नूर नहीं है, वो देख नहीं सकता, तो ऐसे मादरजात बच्चे को भी और इंसान जो बड़ा हो चुका है, ये हाथ लगाते थे, दम कर देते थे, आंखों में नूर आ जाता था, आंखें आ जाती थी। तो मैं अच्छा कर देता हूं मादरजात अंधे को और कोढ़ियों को। आज के जमाने में कोढ़ का इलाज नहीं है, सफेद चमड़ी हो जाए इसका इलाज नहीं है बस। तो ये उनका भी, उन चीजों का भी इलाज कर लेते थे, हाथ फेर देते तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा ओरिजिनल हाथ होता है, वैसा दाग बाग सब निकल जाते थे। मुर्दों को जिंदा करता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं बी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं यहां हुक्म करता हूं। और जब मुर्दे को जिंदा, वो कहते हैं भाई ये भी करके दिखाओ हमको, तो कब्रस्तान में जाते, बोलो कौन सी कब्र? ये कब्र। कुम बी इज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं कहता, ये नहीं कहते थे कि मेरे हुक्म से, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, मैं तो उसका दूत हूं, मैं पैगंबर हूं। जब ये कहते तो मुर्दा खड़ा हो जाता, बातचीत करने लगता, तो लोग ताजुब करते कि भाई ये कैसी बात। तो फरमाते कि मैं इस तरीके से मुर्दों को जिंदा, हां और मैं बता देता हूं कि तुम क्या घर से खाकर आए। ये बात थोड़ी आपको थोड़ी सी हल्की सी बोझ लगेंगी, लेकिन डेफिनेशन इसलिए करता हूं कि सिरात अल मुस्तकीम क्या है वो जानना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है, कि जब हाजिर इमाम के जबान से जब निकला तो हमारा भी ये फरीजा होता है, बुजुर्ग जब बात को पेश सीखे तो हम कम से कम समझ तो ले क्या है। और कुरान करीम में अल्लाह ने मुख्तलिफ जगह पर जब सिरात अल मुस्तकीम इजहार कर दिया है, जाहिर कर दिया है कि क्या चीज है ये, तो कम से कम अगर जब तक सांस चलती है, जो चलने वाले चले गए, हमारी तो सांस चलती है, जब तक ये सांस चलती है अगर कुछ काम हमने कर लिया, इस कुरान से मोहब्बत कर ली, इस आयत को समझ ली, सिरात अल मुस्तकीम समझ लिया, और थोड़ा सा खाने में नमक के बराबर भी अगर अमल कर लिया, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी जिस तरह नमक के जरिए से सारे खाने में एक जायका पैदा हो जाता है, अल्लाह तबारक ताला हमारे सारे अमल में एक जायका पैदा फरमा देंगे। तो फरमाते कि जो खाकर आए वो भी मैं पेश करूं, तुम्हारे पेट में क्या है, और जो क्या छोड़कर आए वो भी मैं पेश कर दूं। अब ये मौजूदे सारे थे तो काफी लोग जो है खुदा की जात पर यकीन करने वाले बन चुके थे। अब सवाल यह होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस जमाने में थे, मैं आसानी के साथ कहता हूं ताकि बात बिल्कुल समझ में आ जाए, एक छोटा बच्चा भी होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है समझ लेगा बात। ईसा अलैहिस्सलाम जिस जमाने में थे, अब यह मौजिज़ है, मौजिज़ आजिज़ कर दे इंसान को, उसको कहते मौजिज़ है, ओह ओह ये मौजिज़। तो मौजिज़े जब पेश करते थे ईसा अलैहिस्सलाम, तो लोगों में ये चर्चे होने लगी, लोगों में चर्चे होने लगी कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम ये भी बता देते खाना क्या खा कर आए, ये भी बता देते कि घर पर क्या है, ये भी देते हैं कि अंधों को अच्छा कर देते हैं, ये कर देते कोढ़ियों को अच्छा कर देते, और इससे सबसे ज्यादा बड़ा मौजिज़ा तो ये कि भाई मुर्दों को फिर जिंदा कर देते। तो लोगों में एक ख्याल पैदा होने लगा, लोगों में गफलत, कि ये ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को भी जिंदा करते, तो मुर्दों को अल्लाह के सिवा कौन जिंदा कर सकता है। किताब में लिखा है कि कयामत के रोज अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने के लिए तो पैगंबर होकर जिंदा करते। अब ख्याल दिल में, बदगुमानी, अब दिल में सोचते कि मां मरियम को तो मर्द नहीं है, ईसा के वालिद साहब नहीं है, तो यह किस तरह हो सकता। अब इन लोगों के दिमाग में शैतान ने गफलत डाल दी, लोग कभी नफ्स के सहारे हो जाते हैं, कभी कभी शैतान गफलत में डालता है, नफ्स भी बहुत बुरी चीज है, हम लोग हर दम शैतान को बुरा करते हैं लेकिन हमारे नफ्स को कभी बुरा नहीं कहते, शैतान को तो प्लेटफॉर्म देने वाले हम ना,
प्लेटफॉर्म जब हम देते हैं तो वो बैठता है, जब तक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे वो नहीं बैठता है। तो लोगों के दिमाग में गफलत पैदा हो गई कि भाई ये ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, ये सारी चीज तो अल्लाह कर सकते, अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं कर सकता है। हो न हो ये अल्लाह का बेटी है, ये हो न हो अल्लाह के बेटे हैं। और फिर सोचने लगे कि बगैर शादी के तो काम होता नहीं, बस औलाद अल्लाह देते नहीं है। ये हिसाब से उन्होंने मां मरियम पर भी बदगुमानी शुरू कर दी, मां मरियम पर भी बदगुमानी शुरू कर दी। मकसद के ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह तो अल्लाह है, ये बेटे हैं, और इस तरीके से मां मरियम की तरफ भी उन्होंने बदगुमानी शुरू कर दी। अब तीन खुदाओं के परस्त से शुरू हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ही मैं ये अर्ज करने चाहता हूं कि देखो अल्लाह के पैगंबर क्या है, ये क्या बात है, अल्लाह वालों की बात क्या है, और हमारे दिमाग कहां चलते हैं। तीन खुदाओं के परस्तिश जब शुरू हो चुकी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि भाई इस तरीके से मुझे खुदा का बेटा कहते हैं और मेरी माँ के बारे में ऐसा सोचते हैं, अल्लाह के बारे में, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह फरमाते कि लोग कहते हैं मैंने औलाद रखी, मैंने औलाद रखी, मैं ये सारे ऐबों से पाक हूं, मैं पाक हूं, अल्लाह फरमाते, अल्लाह खुद ऐलान फरमाते। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने में अल्लाह मजबूर न हो, न माँ है न बाप है, अल्लाह ने अपने हुक्म के जरिए से आदम को जब पैदा कर दिया तो अल्लाह ताला किस तरह मजबूर हो सकता है कि माँ मरियम के जरिए से पैदा न करे, माँ तो दोनों नहीं है, या बगैर वालिद साहब के अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि इस तरीके से गुमराही चल रही है तो लोगों को जमा कर दिया। आसान तौर पर कहता हूं ताकि बाद इंशाल्लाह थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन घर पर जाने के बाद जब घूमते रहेगी बात और नतीजे पर पहुंचाओगे इंशाल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद लोगों से समझाया कि देखो मेरे कानों पर बात आती है कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, अल्लाह इस तरह, मेरी माँ के बारे में आप इस तरह सोचते हो, लेकिन मैं खुलासा कर देता हूं कि देखो अल्लाह ने मुझको पैगंबर बनाकर भेजा है, अल्लाह अपनी कुदरत रखता है, जिस तरह आदम को पैदा करने में अल्लाह मजबूर नहीं था, इसी तरह मुझको भी पैदा करने में अल्लाह मजबूर नहीं है। और ये सुन लो, ये सुन लो, इन्नल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है, वह रब्बकुम, और तुम्हारा रब, फअबुदुहू, और उसी की इबादत करो, हाजा सिरातल मुस्तकीम। हाजिर इमाम जो कहते तो तलाश भी करनी चाहिए, कुरान करीम की आयत और कुरान करीम खुद जवाब देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब देते हैं कि इस तरीके से मेरा रब भी अल्लाह, तुम्हारा रब भी अल्लाह, और उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बातें हो गई। अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। पैगंबर क्या करते हैं? जब कौम गुमराह हो जाती तो पैगंबर बद्दुआ सिवा के बहुत अल्लाह की मर्जी हो तब जबान से बात निकल, वो भी अल्लाह की मसलियत। ज्यादातर पैगंबर दुआएं करते हैं, अल्लाह के चहीते बंदे अपने कौम के लिए, अपने साथ वालों के लिए दुआएं करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा दर्द हुआ कि अगर खुदा के साथ मुझे अल्लाह का बेटा बना दिया तो ये परेशान हो जाएंगे, अल्लाह तबारक तआला के अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। अब कुरान करीम में अल्लाह ने वो बात को भी नोट फरमा दी जो ईसा अलैहिस्सलाम ने रोकर अल्लाह के सामने दुआ मांगी। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ में कहा, ए अल्लाह, ये तो मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि भाई तुम्हारा और मेरा रब अल्लाह है, वही सीधा रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद नहीं मानते हैं, मेरी परस्तिश करते हैं, आपकी भी करते हैं, अगर अब अजाब दे तो तेरे बंदे कहां जाएंगे? अल्लाह की कुदरत से को क्या छूट सकता है? कोई नहीं छूट सकता। तो अल्लाह की कुदरत से को तो अल्लाह अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे बंदे कहां जाएंगे, और अगर तू दरगुजर फरमा दे उसको माफ कर दे तो हिकमत वाला है। इस तरीके से अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए उसी जमाने में दुआ की। यह दुआ इतनी जबरदस्त थी कि कुरान करीम में तो अल्लाह ने नोट कर ली, और यही दुआ को हमारे नबी जी ने इतनी पसंद की, इतनी पसंद की, इतनी पसंद की कि कभी कभी रात रात भर जो है इसी एक ही आयत में पूरी रात पूरी कर देते हैं। उम्मत के लिए फिक्र थी, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को कौम से मोहब्बत थी, इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशुमार मोहब्बत थी। रोते थे कि मेरी कौम का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, तो रात भर एक ही आयत, अल्लाह अगर तू ये अजाब कर दे तो तेरे बंदे हैं कहां, तेरे पंजे से छूट सकते हैं, और अगर तू बख्श दे तो बड़ा हिकमत वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम तो ये दुआ मांगी ईसा अलैहिस्सलाम। अब देखो दो राहें हो गई यहां पर आसानी के तौर पर, इंशाल्लाह बात बैठ जाएंगे दिमाग में। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दो किस्म के लोग हो गए,
एक ने कहा कि जब ईसा जब पैगंबर है, अल्लाह के पैगंबर है, जब वो खुद कहते हैं कि मेरा रब तुम्हारा रब अल्लाह है और ये सीधी राह है, तो हम फिर क्यों सोचे ज्यादा, हम अल्लाह की इबादत करें, हम जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। जब नबी जिन पर किताब इंजिल नाजिल हो चुकी है और वो कहते हैं कि मेरा रब भी वो है, तुम्हारा रब भी वो है और उसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है, अब हम सोचेंगे नहीं, जो कहते हैं नबी वो करेंगे हम। कुछ लोगों ने ख्याल कर लिया अपने अकल से, अपनी गफलत से, यार वो तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी खाकसारी पेश करते हैं, अपनी इज्जत अपनी महानता छोड़ते हैं, खाकसारी पेश करते हैं, अपनी बड़ाई नहीं पेश करते हैं, अरे वो अल्लाह के बेटे हैं, वो अल्लाह के बेटे, वरना मुर्दों को कौन जिंदा करेगा, और बगैर बाप के कभी औलाद होती है। इस तरीके से उन लोगों ने गफलत में सोचना शुरू कर दिया और लोगों को गफलत में डालना शुरू कर दिया। अब ये दो गिरोह यहां पर बन चुके, यहां दो गिरोह बन चुके, एक वो गिरोह जो पैगंबर की बात को मानने वाले, दूसरा एक गिरोह जो अपनी अकलों पर चलने वाले, जो पैगंबर की बात पर मानने वाले थे, चलने वाले थे, वो सिरातल मुस्तकीम वाले थे, और जो नहीं मानने वाले थे वो सिरातल मुस्तकीम छोड़ने वाले थे। मैं गुमराह तो नहीं कह सकता, बड़े अदब से कोशिश करता हूं मैं, बाकी तो अल्लाह की मर्जी की बात। जो ईसा की मानने वाले थे वो सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले थे, और जो ईसा की बात को छोड़ने वाले थे वो सिरातल मुस्तकीम छोड़ने वाले थे। अब ये दो गिरोह बन गए। अब अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के सिलसिले में जिस तरह गफलत में लोग रहते हैं उनके बारे में दो मिसाल पेश की, सूरह नहल में 76 नंबर की आयत है, आले इमरान 49 एंड 59, और इसी तरीके से सूरह नहल में 76 नंबर की आयत है। अल्लाह तबारक तआला ने मिसाल बयान की दो मर्दों की। देखो अल्लाह तबारक तआला कैसे समझाते, बच्चे की तरह समझाते, छोटे बच्चों को कैसे समझाते, और अगर ना समझे तो फिर हमारी कोताही, हमारी कमजोरी। तो दो मर्दों की मिसाल अल्लाह ने पेश की कि अगर किसी सेठ के पास अगर कोई बंदा है, कोई गुलाम है, उसका नौकर है, और वो गुंगा है, बोलता नहीं कुछ, तो सेठ पर बोझ है। जो गुलाम बोल नहीं सकता, मुक्का है, अब वो क्या क्या बात करेगा, क्या काम करेगा, वो मुक्का है, कुछ नहीं कर सकता, अब वो सेठ पर बोझ है। और दूसरा नौकर ऐसा है, दूसरा मर्द ऐसा है कि जो इंसाफ की बात करता है, सीधी राह पर भी है, और आपने सेठ का फरमाबरदार है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते कि बताओ ये दोनों में से अच्छा क्या बराबर बराबर हो सकते। सूरह नहल में 76 हाजिर इमाम, इसलिए 1958 में कुरान करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि कुरान करीम को तुमको मुताला करना चाहिए, मतलब स्टडी करना चाहिए, मुताला मतलब स्टडी करना चाहिए, कुरान के आयत को समझना चाहिए, उसकी तफसीर समझनी चाहिए, उसका तर्जुमा समझना चाहिए। लेकिन कहाँ है, कितने साल, 60 और 10-50 साल कम से कम हो गए, लेकिन अब तक हम कुरान के करीब नहीं पहुंचे, बहुत सिवा के कुछ लोग। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस तरीके से दोनों मिसालों को पेश की है। अब यहां पर अल्लाह तबारक तआला के सामने बंदा इल्तिजा करता है सूरह फातिहा में, मुझे राह दिखा। अब ये कंफ्यूजन होता है तो बंदा क्या करता है, या करना बदो या कनस्तिन इस दिन से राह, अल्लाह ताला मैं तेरी इबादत करता हूं तुझे से मत, अब तू मुझे सीधी राह दिखा दे। अब अल्लाह तबारक तआला राह दिखाने के लिए कुरान करीम से ही रहनुमाई करते हैं कि देखो इस तरीके से। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में सूरह आले इमरान की बात है, देखो किस तरीके से समझाते अल्लाह ने। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 6 अल्लाह फरमाते हुवल्लज़ी युसव्वरकुम फिल अरहाम, वही है यानी अल्लाह ही है, युसव्वरकुम फिल अरहाम, मां के पेट में तुम्हारे चेहरे बनाते हैं, कैफा यशा, जैसा चाहे वो बना देता है, मां के पेट में अल्लाह चेहरा बनाते हैं, कैफा यशा, जैसा चाहे बना देता है। अब देखते हम कि कितने इंसान पैदा हो चुके आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक, एक का चेहरा मिलता है दूसरे से नहीं मिलता, कितनी कुदरत है उसकी। अल्लाह ने दो लफ्जों को इस्तेमाल किया, कैफा यशा, जैसा चाहता है बना लेता है, डेफिनेशन नहीं दिया कि देखो आदम से लेके इतना महीने बनाया क्या है, कोई मिसाल बताओ मुझे, नहीं, बड़ों की बड़ी बात, अल्लाह की बात किससे बड़, सबसे सारे कलामों से अल्लाह का कलाम सबसे ऊपर है। अल्लाह फरमाता कैफा यशा, जैसे मैं चाहता बना देता हूं। इंसान को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे चेहरे बना दिए, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। एक मासूम बच्चे को बड़े गिरोह में खड़ा कर दो, एक बड़ा मजमा है, और मासूम बच्चे को कब बता बेटे कि तेरा बाप कौन,
तो उधर तलाश करते 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 बाप तक पहुंच जाए, बता तेरी माँ कौन, तलाश करते 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 वो अपनी माँ तक पहुंच जाए। चेहरे में अल्लाह ने वो खूबी रखी, उसकी खूबी और उसकी कुदरत। फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते कि देखो हमने चेहरा तेरी माँ के पेट में हमने चेहरा बनाया जैसा चाहता था। फिर अल्लाह तबारक तआला बंदे को तालीम फरमाते हैं, हुवल्लज़ी यसवरकुम फिल अरहाम कैफा यशा, कैसा हमने बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह कहते हैं जिसकी इबादत की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। अल अज़ीज़ुल हकीम, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है, उसकी हिकमत के जरिए से सारे चेहरे बना दिए उसने। अज़ीज़ुल हकीम, जबरदस्त, अज़ीज़ कहते हैं जबरदस्त, जबरदस्त हिकमत वाला। तो इंसान को भी चाहिए कि जब अल्लाह तबारक तआला खुलासा फरमाते कि देखो मैंने चेहरे कैसे बनाए, तुम्हारे माँ के पेट में हमने बनाए, आसमान से पानी मैंने बरसाया, जमीन से फसल मैं पैदा करता हूं, किसी की कुदरत नहीं कि एक दाना बना दे। अल्लाह फरमाते किसी की कुदरत नहीं, मखलूक में किसी की कुदरत नहीं कि एक दाना जो ढेर भर का 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ढेर भर उठा के लाते, अरे एक दाने को उठा के कभी खुदा की कुदरत तो तलाश करो। इबादत तो रस्मी तौर पर करते, जो माँ के पेट से मुसलमान पैदा हुआ इबादत करेगा, जो जिस कौम में पैदा हुआ वो अपने अपने तरीके से अपने खुदा की इबादत करते, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि रब कैसा है, जिसकी वो इबादत करता है उसको तलाश करनी चाहिए कि रब कैसा है। तो अल्लाह फरमाते कि मैंने तुमको तुम्हारा चेहरा बनाया, तुम्हारी रोजे के इंतजाम किए, आसमान से मैंने पानी बरसाया, जमीन से फसल पैदा फरमा दी, और फिर कहते कि मेरे सिवा को इबादत के लायक, मैंने जब तुमको पैदा किया, तुम्हारा चेहरा बनाता हूँ, आसमान से पानी बरसाता हूँ, जमीन से फसल पैदा करता हूँ, तुम्हारे में सांस चलाता हूँ, तुम्हारी दिल की धड़कन चलाता हूँ, तुम्हारे कदमों को चलाता हूँ, तुम्हारे हाथों को मेरी बारगाह में उठाने की ताकत देता हूँ, इतना करने पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरे सिवा को इबादत के लायक नहीं, सो तुम मेरी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है। तो मैंने अर्ज किया ये कि कुरान करीम में 40 से ज्यादा जगहों पर अल्लाह तबारक तआला ने सिरात अल मुस्तकीम का जिक्र फरमाया, और सूरह यासीन में अल्लाह इरशाद फरमाते कि ये हमारे नबी जी के बारे में। अब उसी तरफ आता हूँ, जिस तरह मुनव्वर साहब ने आपके सामने मखलूक के हक पेश किए, तो वो थोड़ी बात वो भी आपके सामने मैं पेश कर दूँ। तो कुरान करीम सूरह यासीन में वल कुरानिल हकीम, अल्लाह ने कसम खाई कुरान की, फिर अल्लाह फरमाते ये मेरे आप रसूल में से हो, अला सिरातल मुस्तकीम, इसी तरह पर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पूछा जाए कि बताओ सीधा रास्ता क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हक को भी पेश किया और बंदे के हक को भी पेश किया। अल्लाह का हक यह पेश किया कि देखो उसी की इबादत करना, जिस तरह ईसा के जमाने में कुछ लोगों ने अपनी अकल चलाई उस तरह काम नहीं करना, जिस तरह मैंने हुक्म दिया उसी तरह करना, ईसा के हुक्म को मानने वाले कामयाब हो गए, मेरे हुक्म को मानने वाले कामयाब हो जाओ, मैं जो कहता हूं करो, अपने दिमाग को मत चलाओ, तुम्हारा दिमाग कमजोर है तो उसके जात तक नहीं पहुंच सकता, मैं जो कहता हूं मैंने देखा है, जन्नत को देखा है, जन्नम को देखा है, कैसी कैसी अल्लाह की कुदरत है, सब मैंने देखा है, मेरी इस बात पर यकीन कर लो और उसी पर चलो, ये तुम्हारे लिए आसान है, ये सीधा रास्ता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि देखो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। कुछ लोग मोहब्बत रखने वाले थे नबी जी से, ऐ नबी जी आप तो दोनों जहान के सरदार हो, आप सारे पैगंबर के सरदार, आप पर किताब नाजिल की, आपके जरिए से चांद के दो टुकड़े हो चुके, आपके जरिए से सूरज फिर से आ गया। हजरत अली करमल्लाह जो खैबर के मौके पर असर का वक्त था, गुरूब हो रहा है सूरज और अचानक वही का सिलसिला शुरू हो चुका, सर जो है सर मुबारक हजरत अली करमल्लाह जी के पैरों पर है, वही शुरू हो गई, वजन भी लग रहा था वही जब शुरू होती थी वजन, अब वही जब पूरी तो इतनी देर में तो सूरज ग्रुप, अब हजरत अली करमल्लाह जी के आंखों से आंसू बहने लगे, जब वही पूरी में देखा तो आंसू, अली तेरे आंख में आंसू, कि हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी असर की नमाज कजा हो गई। ओहो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झटका लगा, असर की हाँ सूरज ग्रुप हो चुका है, अल्लाह तबारक तआला की कसम जिस तरह अली के आंखों में आंसू देखे उसी वक्त नबी के आंखों में आंसू आ गए, और आंसू के जरिए से अल्लाह के पास इल्तिजा करते, ए अल्लाह ये अली मेरे तेरे और तेरे रसूल की खिदमत में थे, अली तेरे और तेरे रसूल की खिदमत में थे, ए अल्लाह तू हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज तेरी दर की मोहताज, तू किसी का मोहताज नहीं है, चांद और सूरज तेरे दर के मोहताज है, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि जिस तरह सूरज तेरे हुक्म से नीचे चला गया तेरे हुक्म से इसको फिर वापस उठा ले। लोगों ने देखा
कि सूरज जिस तरह नीचे का धीरे 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 बाहर आया, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने इत्मीनान से वजू किया, इत्मीनान से नमाज अदा की, तब तक सूरज वैसा के वैसा रहा, फिर सूरज जो गुरु हो चुका। तो नबी जी के चाहने वाले थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे नबी जी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दोनों जहान के सरदार हो, अल्लाह ने आपको इतने इतने मुजीज़ अता फरमाए, सारे लोग जो मुल्क शाम बड़े बड़े सरदारों को सज्दा करते हैं, क्या इसमें कम कमी की बात है कि हम आपको सज्दा करें, हम आपको सज्दा करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया कि नहीं, सज्दा तो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अल्लाहुम्मा लक सुजद विताअत, ए अल्लाह मेरा सज्दा और मेरी फरमाबरदारी, मेरी इताअत, मेरी इबादत तेरे लिए है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से अल्लाह के हक को पेश कर दिया कि नहीं, उसी की इबादत करो। अब बंदों की तरफ चलते हैं, यूं नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए छूट गए कि मस्जिद में किसी नमाज पढ़ी, इबादत खानों में अपनी दुआ पढ़ी और कहीं कहीं जाकर ईश्वर को मान लिया, सरजनहार को मान लिया, आसमान वाले को मान लिया, मालिक को मान लिया और बात पूरा हो गया। नहीं, इस तरह नहीं है। अल्लाह के हक के साथ में जब बंदों को साथ में जोड़कर रखा है तो अल्लाह तो कुदरत रखते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए कुदरत रखते हैं, माँ के दुख दूर करने में कुदरत रखते हैं, लेकिन अल्लाह तबार तला आजमाइश में डालते हैं कि मेरा बंदा क्या करता है, माँ के साथ किस तरह रहता है, बहन के साथ किस तरह रहता है, रिश्तेदार के साथ किस तरह रहता है, पड़ोसी का हक अदा करता है या नहीं करता, यतीमों के साथ क्या सलूक करता है, बेवा के साथ क्या सलूक करता है, पड़ोसी का हक अदा करता है नहीं करता। तो ये अल्लाह के हक के बाद में नबी जी ने जबरदस्त मखलूक के हक अदा पेश किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक के हक को पेश किया और सबसे ज्यादा मखलूक के हक में सबसे ऊंचा रखा माँ बाप को। माँ बाप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप तुम्हारे जन्नत के दरवाजे हैं। माँ बाप जो है जन्नत के दरवाजे, जिसको बाकी रखना बाकी रखो, जिस कुछ को तोड़ना है तोड़ दो। कितनी जबरदस्त, आज के माहौल में लोग समझते नहीं है, पढ़े लिखे लोग होते हैं ज्यादा, उनको इल्म नहीं होता कि ये क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है। लोग तलाश करते हैं, दुनिया की दर दर की ठोकरें खाते हैं जन्नत के दरवाजों को खोलने के लिए। कभी कोई क्या बना लेता है, कोई क्या बना लेता है, कोई कितनी इबादत कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई रात भर इबादत करता है, काहे के लिए, कभी जन्नत, जन्नत की तलाश में। तो दर दर की ये बंदा ठोकरें खाता है, लेकिन पता, उसको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत तो तेरे घर में रखी है। माँ अगर दिल के दर्द के जरिए से अगर दुआ कर दे, अगर वो बंदा जहन्नमी है, अल्लाह ताला उसके खुशी के आंसू हो या गम के आंसू हो, उस आंसू के जरिए गम के, अगर मेरा बच्चा, ए अल्लाह मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की परेशानी, मेरे बच्चे की बीमारी, गम के आंसू, खुशी के आंसू, ये आंसू के जरिए से अल्लाह तबारक तआला अपनी कलम के जरिए से बंदे की किस्मत लिख देते हैं, औलाद की किस्मत लिख देते हैं। अगर जन्नत में भी पहुंच चुका है, अल्लाह उसे जन्नत तक पहुंचा देगा। कभी कभी छोटी छोटी नेकी के जरिए से अल्लाह कहीं से कहीं बंदे को पहुंचा देते, और कभी कभी ऐसे कोई काम हो जाता है कहीं से कहीं पीछे हट हो जाती है, उसके जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। एक औरत थी फाहिशा, मेरी माँ बहने भी मौजूद है इसलिए मैं ज्यादा खुलकर नहीं पेश करूंगा, यानी थोड़ी चाल चलकर जिसको मुनासिब नहीं, जिसको कह सकते हम बाजार की औरत। एक बार रेगिस्तान से जब गुजर हुआ उसका, और ये मेरी जेब की बात नहीं, नबी जी कहते हैं, जेब की बात नहीं, किससे कहा नहीं, नबी जी फरमाते ये। तो रास्ते से गुजर हुआ रेगिस्तान से, तो देखा कि एक कुत्ता बिलक रहा था पानी की वजह से, पानी कहीं था नहीं और जबान निकल चुकी मर्जुल मौत, यानी मौत के बिल्कुल करीब था वो। अब इसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हुई जानवर के लिए, थी तो समझो अखलाक की बुलंद नहीं थी वो, तो दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि बेचारा कुत्ता कहाँ जाएगा ये, और इस रेगिस्तान में पानी की वजह से जबान मिट्टी में जबान लगा रहा है, समझ गए कि प्यासा हो चुका है और हलक सूख गया था पूरा, ऐसा लग रहा था मर जाएगा भी। अब उसके दिल में रहम पैदा हो गई, उसने तलाश की, यहां वहां तलाश की, कुले को तलाश किया कि नहीं इस कुत्ते की तो जान बचानी चाहिए मुझे, इस कुत्ते की जान बचानी चाहिए। अब यहां वहां तलाश करते करते कुएं को तलाश किया, कुएं में गया तो पानी थोड़ा गहरा, कोशिश की पानी निकालने के लिए, नहीं निकल सका, जूते के जरिए से कोशिश की नहीं निकल सका। अब थोड़े बाल थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाल अल्लाह ने दिए थे उसको, तो उस जूती को बाल में बांधकर फिर झुक कर पानी निकाला। एक बार पानी पिलाया, दो बार पानी पिलाया, तीन बार पानी पिलाया, अब कुत्ता तो बिल्कुल खुश,
खुश हुआ और दुम हिलाते हिलाते रहते चले गया, बस ये देखते रहे। ये उस कुत्ते को देखकर खुश हो गई कि काम बड़ा अच्छा हो गया, कुत्ता खुश हो गया है, पानी पीकर बड़ा सैराब हो गया। अरे कुत्ता क्या खुश हुआ, ये औरत क्या खुश हुई, आसमान वाला खुश हो गया। आसमान वाला इसी एक अमल के वजह से जिंदगी भर गुनाह करते रहे, लेकिन एक कुत्ते जिस जानवर को घर के बाहर रखने का हुक्म है, उस जानवर को सिर्फ पानी पिलाने पर अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत तक उसको पहुंचा दी। और इसी तरीके से एक औरत ही बदमिजाज बिल्ली को पाल के रखी थी, अब एक बार 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 घुस जाती थी तो परेशान होकर, गुस्से वाली थी औरत, अब गुस्सा आया बार बार घुस जाती, टूट म्या 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 करके घुस जाती थी। अब उसको आया गुस्सा, उसने क्या किया, उठाकर जो कमरा था अंदर का उसमें बंद कर डाल दी और बंद कर डाला, गुस्से में थी हालांकि पाली हुई थी। अब ये डाल दी कमरे में, अब ये भूल गई, अब ये भूल गए, दो दिन के बाद ध्यान आकर तो दरवाजा खोला तो बिल्ली मर चुकी थी, भूख के वजह से प्यास की वजह से बिल्ली मर चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो औरत जन्नती और ये औरत जहन्नमी। कितनी छोटी सी बात है, एक कुत्ते को जिसको बाहर रखने का हुक्म है, कुत्ते को बाहर रखा जाता है, लेकिन जो कुत्ते को बाहर रखने पर अल्लाह ताला उस बंदी की मगफरत कर सकते हैं, उसको जन्नत पहुंचा सकते हैं, तो बताओ कि माँ बाप के साथ सुलूक करने पर, एक कुत्ते के साथ सुलूक करने पर जन्नत मिल सकती है, तो माँ बाप के साथ सुलूक करने पर जन्नत नहीं मिल सकती, जरूर मिल सकती है, लेकिन बंदे को चाहिए कि तलाश करे। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में देखो माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ कैसी चलती है, ये इल्म हासिल करो और लोगों तक पहुँचाओ। आदर इमाम ने इसलिए इल्म के लिए कहा है, दीन के इल्म पहुंच लो और लोगों तक पहुंचाओ। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक लड़का शराबी था, मां समझाते रही, मानने को तैयार नहीं। आखिरकार आए बुजुर्ग के पास, हजरत मेरे बच्चे को समझाती हूं लेकिन मानने को तैयार नहीं, शराब छोड़ता नहीं है, रात को आता है, 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, कभी कभी हाथ भी उठा लेता है, नशे में होता है, तो दिल का अच्छा है मेरा लड़का, ये भी कहती। पर माँ जो होती है, बच्चा शरीफ होगा, करीब से कोई आएगा मार तोड़ने का, अरे तुम्हारे लड़का ने ऐसा किया, अरे हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी दूसरे की माँ आएंगे तो मेरा बच्चा ऐसा थोड़ी, हालांकि मारा होगा लेकिन माँ कभी इकरार नहीं करेंगे मेरा बच्चा खराब है, ज्यादातर ये देखा गया। खैर अब बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में, हजरत मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए कि ये तो इस तरीके से कभी कभी, लेकिन दिल का पूरा नहीं। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह फरमाया, तू दुआ कर उसके लिए, तू तो माँ है, मैं तो दुआ करूंगा लेकिन मेरे से ज्यादा तेरी दुआ अक्सर रहेगी। अब रोने लगी, मैं तो दुआ भी करती हूँ, कहा कि नहीं आधी रात उठकर दुआ कर, चल मैं भी इस वक्त पर उठता हूँ, तू भी उस वक्त उठ। अब कुदरत का करना था, ये रात को उठी, दुआ में लग गई, 2 बजे के बाद आधी रात जो बंदगी में उठते, वो बहुत बहुत जबरदस्त वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफी लोग जो है, हमारे समाज के लोग आधी रात जाकर इबादत, बहुत जबरदस्त काम है ये। इबादत करने से इंसान की जान मजबूत होती है, उसका ईमान मजबूत होता है, इसलिए कि आधी रात सब पूरे सोए हैं, हाँ, और ये बंदा जाग रहा है। जिस तरह अल्लाह जागता है बंदा भी जागता है, अल्लाह बंदे सोते हैं अल्लाह जागता है, उसके साथ मैचिंग करता है, वो जागे ये भी जागे आधी रात, अब काम हो गया पूरा। तो ये औरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ने कहा कि रात को तो आधी रात उठ और अल्लाह से दुआ कर, मैं भी यहां दुआ करता हूँ। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ने वहां उठे हुए थे, मां रोकर दुआ कर रही, दूसरी तरफ बायज़ीद दुआ कर रहे। अब ये लड़के का क्या हुआ, गया था शराब खाने पिया था, कुछ धक्का पक्का किसी को लगा, मारा उसको, खूब मारा लोगों ने, अब सर फट गया था यहां से। अब लड़खड़ाते हुए आया घर पर, गिरा, मां ने जैसे वैसे उस घर में लिया, देखा तो लगा हुआ है, सर फटा हुआ है। अब मां ने क्या कहा, पानी लिया और कपड़े से उस जख्म को पोंछना शुरू कर दिया। जब पहुंचना शुरू किया तो चीख निकल गई, अरे मां, बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होती है। अब देखा कि मां तकलीफ हो रही है, अब मां ने क्या किया, अब देखो ये दुआ का असर, बायज़ीद की दुआ का असर और उससे ज्यादा मां की दुआ का असर। अब मां को लगा कि दिल में दर्द, क्योंकि रोकर आई थी हजरत के पास और यहां पर भी रोकर दुआ की, दिल में नरमी थी। अब कहते हैं मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो उसने क्या किया, लेकर जबान पानी तो छोड़ दिया, कपड़ा को छोड़ दिया, अब अपनी जबान से उस जख्म को साफ करने लगी कि कहीं उसको तकलीफ ना हो। मां किस्मत वाले हैं वो लोग
कि जो माँ बाप के सहारे जीते हैं, किस्मत बन जाती है, दुनिया क्या उसकी आखिरत भी बन जाती है, माँ बाप ये चीज है। अब ये जबान से साफ कर रही है और अचानक उसकी आंख खुल गई, देख रही है तो देख रहा है, तो माँ जबान से उसके जख्म को साफ करी, इतना जबरदस्त दिल पर असर हुआ। इसलिए को दुआ का भी असर था, जमीन सख्त थी, पैदावार न भी, दुआओं के जरिए से अल्लाह ने उसके दिल को नरम कर दिया। और माँ जब जबान से जरिए से जख्म को साफ कर रही थी, उसके आंख में पानी आ गए और होश होश में आ गया, नशा उतर गया और होश में आकर कहते, माँ तू मेरे जख्म को जबान से साफ करती है, तू मेरे जख्म को जबान से साफ कर दी। उसी वक्त कसम खा लेता है कि मैं आज से कसम खाता हूं कि शराब को कभी न जाऊंगा, न शराब पीऊंगा, न शराब खाने के करीब जाऊंगा। तो ये माँ बाप की दुआ, बंदे समझते नहीं, जन्नत के लिए तलाश करते, ये बना मैं मस्जिद बना दूं, ये इबादत खाना बना दूं, ये मदरसा बना दूं, मैं ये कर दूं, मेरे जन्नत के दरवाजे खुल जाए। अरे जन्नत तो अल्लाह ने कदमों में रखी है, अल्लाह घर में रखी है, माँ बाप के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। लेकिन आज का जनरेशन जो है इस बातों से दूर है, इसलिए कि इल्म हमने नहीं पहुंचा, कहीं ये भी होती कि हमने बात पर नहीं पहुंचाई तो क्या करेगा औलाद। हमको समझाना चाहिए, इल्म दिल का इल्म उन तक पहुंचाना चाहिए और समझाना चाहिए कि इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला कर्म कर देते हैं। माँ बाप हयात है, उसकी खिदमत करो, खुदा की कसम दुनिया जन्नत तो मिलेगी, दुनिया अल्लाह जन्नत बना दे, जन्नत तो मिलेगी, अल्लाह ताला दुनिया में जन्नत बनाए, चाहे दो में से एक भी हो तो उसकी खिदमत करो, दो में से एक हो तो भी उसकी खिदमत करो, अल्लाह ताला किस्मत तब्दील कर देंगे, दुनिया की तकलीफें दूर कर देंगे और आखिरत की तकलीफें दूर कर देंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक के हक के बारे में सबसे ऊंचा माँ बाप के हक को रखा है। फिर रिश्तेदार है, माँ बाप है, अब रिश्तेदार रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज में सारी चीज़ें हैं कि अगर थोड़ी सी ऊंच नीच होकर शादी में दावत नहीं दी, हमें उसने शादी की दावत नहीं दी, हम इसे बात नहीं करेंगे, ये फला मौके पर हमको नहीं बुलाया, ऐसा इंसल्ट कर दिया, अब जिंदगी भर के लिए दुश्मनी तैयार हो गई, हम इसे बात नहीं करें। और फिर फकर के साथ करते, अरे बोले तुम्हारो भाई आवे था ना, इना लगन, हाँ हमारी बातचीत नहीं ना थी, हमारी बातचीत नहीं थी, अरे मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिश्ते को जोड़ो तोड़ो मत। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल साहब मेरा रिश्ते बड़ा जालिम है, तो कहा कि ठीक है वो जालिम है, तू उसके साथ अच्छा सलूक कर, उसके साथ में तू भी करेगा तो तेरे में और उसमें फर्क क्या, तू अगर वो टेढ़ा चलता है तू सीधा चल, तू सीधा चल, अल्लाह ताला तुझको इज्जत देंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहीत सहाबा के नाम के साथ मौजूद थे। देखो कितनी बुरी चीज है रिश्तेदारी को तोड़ना। पंद्रहवीं शाबान में आम मुसलमान तो सब जानते हैं कि पंद्रहवीं शाबान में हदीस में लिखा जाता है कि पंद्रहवीं शाबान में सारे लोगों की मगफरत हो जाती है, लेकिन माँ बाप का नाफरमान है, जादू का करने वाला है, इस तरीके से शिर्क करने वाला है, ये है ये है, और इसी तरीके से क्या उसका रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाले की भी मगफरत नहीं होती पंद्रहवीं शाबान। तो एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजमे में थे, मौजूद थे, और ऐलान करते हैं, लोगों तुम में से अगर कोई रिश्ते का तोड़ने वाला इस मजमे से उठ जाए, अगर तुम में से इस मजमे में से कोई रिश्ते को यानी अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, कतार अहमी कहते वो आपको लफ्ज समझ में नहीं आएगा, मेरी इस्माइली माँ बहनों को भाइयों को समझ में नहीं आएगा, रिश्ते को काटने वाला तोड़ने वाला, जा तारू तू तारू काम कर, हूँ मारू काम करूस, माने तारा थे कहीं लेवा देवा आज थी मारा थे बातचीत नहीं करे, तारू मुड़ू पर नहीं जोईस, लो अरे मोडू नहीं जाइस, अल्लाह की रहमत थी दूर थी गयो, तू एनु मोडू नहीं जाइस, तू एनु मोडू जाइस, एना दी नरमी करे अल्लाह तारा दी नरमी कर सू। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो मजमे में अगर कोई अपने रिश्ते को तोड़ने वाला हो इस मजमे से उठ जाए। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात, तो कहा कि उसके वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बताओ कौन कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर किसी बात हो सकती है, हसन और हुसैन के नाना, माँ फातिमा के वाली साहब, जन्नत के दोनों सरदार है, ये फातिमा के जरिए से सिलसिला पहुंचता है, इस तरह जन्नत के दोनों सरदार है हसन और हुसैन, इतनी बुजुर्गी वाली वो औरत और बुजुर्गी वाले बच्चे, उनके नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे पैगंबर के सरदार है। फरमाते इतने बड़े मकाम पर होने पर भी फरमाते हैं कि वो शख्स उठ जाए, अगर जो लोग हैं जो रिश्ते को काटने वाले बराए करम इस मजमे में बैठे, उठ जाए, इनके वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कितनी जबरदस्त चीज, कितनी खतरनाक चीज भी है। अब एक लड़का खड़ा हो गया, जवान लड़का धीरे से शर्माते हुए खड़ा हो गया और गया, और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। लोगों ने देखा, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ऐलान किया तो मैं तो डर गया कि मुझे पता नहीं था कि इतना खतरनाक गुनाह, ये इतना खतरनाक गुनाह कि
दुआ कबूल नहीं होती। फिर क्या किया, तो कहा कि मैं मेरी मौसी के पास गया, यानी मासी के पास, खाला के पास जाकर मैंने उसे अर्ज की, भाई देखो मैंने तुमसे बातचीत बंद कर दी, मैंने तुमसे तकलीफ पहुंचाई। अब वो बेचारी खुश हो गई, तो मैं माफी मांगने के लिए आपके पास आया हूं। अल्लाह के रसूल ने देखो इस तरीके से बात किया कि अगर रिश्तों को तोड़ने वाला अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, हाथ पे पकड़ने लगा, मैं तो आपसे माफी मांगता हूँ, आप माफ कर दो। अब खुश हो गए वो, अरे जा बेटा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। नहीं नहीं तुमने माफ तो कर दिया, अब मुझे चमड़े पे लिख के दो। एक चमड़े का टुकड़ा निकाला और लिख के दे दो, इसलिए कि जब दुआ कबूल नहीं होती तो आखिर में क्या हिसाब होगा, इसलिए बराए करम मैं इतने इल्तिजा करता हूं कि आज इस चमड़े पर लिख कर दे दो कि तुमने मुझको माफ कर दिया। कल कयामत के मैदान में मैं बोलूंगा कि मेरी कब्र में डाल दो, कल कयामत के मैदान में अल्लाह के सामने पेश कर दूंगा कि देखो अल्लाह के रसूल ने कहा था मैंने माफी मांग ली और उन मेरी मौसी से, मेरी खाला से, मेरी मासी से मैंने लिखवा भी लिया। तो अगर रिश्तों को काटते हैं हम, काफी लोगों को इल्म नहीं है ना, इल्म न होने की वजह सारी चीजें होती है, हमारी दुआएं कबूल, अब रो कर दुआ करते हैं, धो कर दुआ करते हैं, उनको मनाते हैं, नहीं काम होता है, क्योंकि वहां तुमने पूरा दीवार खड़ी कर दी तो कहां से दुआ जाएगी ऊपर। तो रिश्ते के बारे में भी इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पड़ोसी हक के बारे में भी फरमाया, पड़ोस में कोई रहता है, अगर कोई गरीब इंसान है, कोई चीज लेने को आया, भाई एक प्याज दे दो, दे दो, प्याज देने के बाद वो प्याज नहीं आई तुम्हारी, दो अंडे लेके गए गुल, ब्रेड लेके गए भाई नाम नहीं लिया, भुला दिया, कभी कोई चीज दी कोई चीज नहीं दी, अब हमने याद रखा भाई दो अंडे लेके ये तो गुल हो गई, तो भूल जाओ। दो अंडे की कीमत कितनी, 5 रुपया 10 रुपया है ना, हो सकता है कि वो दो अंडे के वजह से और छोटी सी चीज के वजह से, एक प्याज के वजह से, दो आलू के वजह से अल्लाह तबारक तआला हमारी सारे गुनाहों की जिंदगी भर की मगफरत कर सकता है। पसंद आ जाती है बात अल्लाह को, अरे मेरा बंदा पड़ोसी का तो ये सुलूक करता है। जब किसी की मौत हो जाए, ये भी नबी जी ने फरमाया, अगर किसी की मौत हो जाए और पड़ोसी इस बात की गवाही दे दे कि हाँ ये बंदा बड़ा अच्छा था, कभी हम जाते तो मांग लेते थे, देने क्योंकि हर दिल के अंदर दर्द रखा अल्लाह ने, हर दिल में अल्लाह ने दर्द रखा है, फिर मरने पर उसको आंसू आ जाते हैं, ये कैसे लोग थे, कैसा मेरा पड़ोसी था, कभी पाव लेकर आया, कभी प्याज लेकर आया, कभी आलू लेकर आया, कभी अंडे लेकर आया, कभी कोई चीज लेकर आया, कभी दी कभी न दी, लेकिन इस बंदे ने कभी शिकायत नहीं, वो रो कर उसके लिए दुआ करता है, वो रो कर उस पड़ोसी के लिए, बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा था, आंखों में पानी आ जाते, बहुत अच्छा था, ये आंखों से आंसू निकले सारे गुनाहों की मगफरत, उसी आंसू के जरिए से अल्लाह ताला उसके आमाल नामे को साफ कर देते कि देखो ऐ मेरे बंदो तुमने अपने पड़ोसी से एहसान किया, उसके आंखों से आंसू निकले, इसी आंखों के जरिए से मैं तुम्हारे गुनाहों को रब कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, जाओ वो राजी हो चुका, मैं राजी हो चुका, जन्नत की तरफ चले जाओ। ये छोटी छोटी चीजें मखलूक के हक, मखलूक के हक, छोटी छोटी चीजें। अब बात में समेटने की कोशिश करता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तालीम फरमाई कि अपने समाज वालों से मोहब्बत करो, कौम वालों से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरैशियों की कितना एहतराम किया, कितना अदब किया, आपको मालूम है, शायद आपने नहीं सुना होगा, सुन लो, मैं भी कदमों में रहता हूँ, मैं भी तलाश में रहता हूँ, मैं भी तालिब हूँ, तलबगार हूँ इल्म का, मरे दम तक मैं आलिम नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, मास्टर नहीं हूँ, और मरे दम तक स्टूडेंट रहने वाला हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी कुछ बातों को पसंद करे और अल्लाह मेरी भी मगफरत फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समाज से मोहब्बत की है, खाने काबा का फोटो तो हमने सबने देखा है, खाने काबा में एक गोल्डन दरवाजा है, गेट दरवाजा डोर है, देखते हैं ना गोल्डन दरवाजा, अब वो उसको कहते हैं मुल्तजिम, वो ऊपर है दरवाजा, ऊपर है दीवारें है और फिर ऊपर मुश्किल से आदमी हाथ ऐसा पकड़ सकते, 6-7 फुट ऊपर है, दुआ भी कोई करता है तो उसको ऐसा हाथ लगाना पड़ता, ऊंचाई से हाथ लगाना पड़ता। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जमाने में खाने काबा की तामीर की तो कैसा था, एक दरवाजा इधर है, यहां से दाखिल हुआ, यहां से निकल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म कुरान करीम में है कि खाने काबा की तामीर करने का हुक्म किया, तो उन्होंने क्या किया था, एक दरवाजा इधर इधर, यानी कोई भी दाखिल हो सकता है और कोई भी निकल जा सकता है। अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में जो अरब के थे बड़े बड़े कुरैश सरदार, वो फखर वाले थे कि हम सरदार, हमारे बात ऊंची रहनी चाहिए,
बाहर के मुल्क के लोग आते थे अपने अपने कानून को पेश कर पाए, इस तरह करो इस तरह करो, अपने कानून को पेश करते थे, इतना फकर, और किसी को अंदर जाने देते नहीं थे। ये तो अल्लाह का करम है कि उसकी तामीर की गई तो एक हिस्सा अल्लाह ने रखा है, तामीर की गई तो दीवार को हटाई गई, मेटेरियल कुछ कम पड़ा, और एक हिस्सा तो उसकी निशानी एक हतीम बताई गई, वो भी एक हरम का हिस्सा है। अल्लाह तबारक तआला का निज़ाम कैसा है, कोई हज नहीं कर सकता तो बोले इशरा की दो रवा नमाज पढ़ो तुमको, कोई हज का सवाब हदीस की किताबों में नबी जी फरमाते हैं, कोई सदका नहीं कर सकता अपनी जान का, 360 तुम्हारे जोड़ है, तुम्हारी जान का सदका करो। गरीब आकर कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो गरीब फकीर, हमारे खुद के खाने के बांधे क्या सदका करेंगे, तो कहा जो दो रकात नमाज पढ़ो तुम्हारी 360 जोड़ का सदका हो जाएगा। इस्लाम की क्या खूबी है, जबरदस्त, एक फकीर भी एक ही सफ में खड़ा होगा, बादशाह भी खड़ा होगा, इसलिए खुदा की नजर में सब के सब फकीर है, कोई बादशाह नहीं, सारे बादशाहों का बादशाह रब्बुल आलमीन, सब एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे और झुक जाएंगे उसके सामने। इंसान, ये इस्लाम की खूबी है, ये अरब वालों में फख्र था, ये सब कोई भी घुस जाता है इसमें, अब इस दरवाजे ऊपर कर दो, ये दरवाजा ऊपर करो, बड़े बड़े सरदारी दाखिल होंगे, ये फकीर बकीर दाखिल हुए गरीब परी, अब वो दरवाजा ऊपर कर दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में फातेहाना यानी कामयाब होते हुए मक्के पहुंचे, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर बनाई थी, एक तरफ से जावे दूसरी तरफ से निकल जावे, ऐसा फिर मैं बना दूं, तो दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं इस तरह करता हूं तो बड़े बड़े सरदार जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए इनके दिल को धक्का पहुंचेगा, जाने दो हमारी इज्जत जाती तो इनका धर्म भी हमको नहीं चाहिए, छोड़ दो। अब कौम की इस कमजोरी को देखते हुए, समाज की कमजोरी को देखते हुए, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ठीक है इब्राहिम तो अल्लाह के पैगंबर है, मेरा सिलसिला इस्माइल से चलता है, लेकिन जब इब्राहिम ने बनाया, लेकिन अब इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, एज इट इज को रहने दो, भले चाहे उन्होंने अपने तरीके से बनाया, अगर मैं दरवाजे को नीचे कर देता हूं तो हो सकता है कि काफी लोगों के दिल को धक्का पहुंचेगा, उस वजह से अपनी इज्जत बरकरार करने के लिए इस्लाम को छोड़ देंगे। इसलिए समाज को देखते हुए, कौम को देखते हुए, कौम की रियायत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को जैसा था वैसे ही रहने दिया। तो कौम से भी मोहब्बत करनी चाहिए, समाज को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी को इस्लाम का जज्बा है तो ये जज्बा ये नहीं दिखाता कि तुम कौम को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, इस्लामी जज्बा नहीं, कौम के साथ रहो। हाँ कहीं कोई ऐसी बात है तो उसको मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, कौम से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरीके से मां अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। ये सुन्नत तो बहुत हम समझते हैं, काफी सुन्नत है, लेकिन ये भी एक सुन्नत है, एक जबरदस्त अजीम, कि सारे पैगंबर अपनी कौम से मोहब्बत करते थे, कौम के लिए रोते थे, दिल में दर्द था, जब कौम के लिए मोहब्बत करते थे तो कौम के साथ मोहब्बत करने वाले, उनका एहसान करने वाले को अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते ऐसे पैगंबरों से। तो ये भी एक सुन्नत है कि कौम को छोड़ो मत, समाज को डिस्टर्ब मत करो, समाज के साथ रहो, उसमें समझौता करो, सारी चीज को समझने की कोशिश करो, सलाहियत के साथ बातों को पेश कर दो। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, मेरे रब मेरे रास्ते सभी ली, यानी मेरे रास्ते की तरफ बुलाओ, बड़े अच्छे तरीके से नसीहत के जरिए से, अच्छी बातों के जरिए से लोगों को बातें समझाने की कोशिश करो, नफरत पैदा हो ऐसी बातें मत करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तालीम दी है कि इस तरीके से अलग हट जाने की कोशिश, दीवारों को खड़ी मत करो। और इसी तरीके से हाजिर इमाम ने भी ये इरशाद फरमाया, ब्रेक द वॉल्स, यानी ऊंची ऊंची दीवार, ब्रेक द वॉल्स एंड बिल्ड द ब्रिजेस, यानी नफरत करने वाली दीवारों को खड़ा मत करो, मोहब्बत के पुलों को राहों पर पेश कर दो। इसलिए कि जब समंदर कोई गहरा होता है, राह पर कोई पास नहीं हो सकता, एक किनारे पर नहीं पहुंच सकता है, तो जब ब्रिज होता है तो एक बंदा जो बड़ी आसानी के साथ उस ब्रिज से गुजर जाता है, अगर समंदर गहरा है, नफरत का समंदर है, तो यह मोहब्बत का ब्रिज जो है उस तक पहुंचा देता है। अगर दीवार खड़ी है कैसा चढ़ेगा आदमी, दीवारें खड़ी कर दी दो समंदर के दो किनारे पर, कैसा चढ़ेगा, क्या करेगा, कैसे वो किनारे पर पहुंचेगा? तो दीवारें नहीं पहुंचा सकती है, ब्रिज जो है मोहब्बत के ब्रिज जो है इंसान को दूसरे किनारे तक पहुंचा सकते हैं। तो हाजिर इमाम ने भी यही तालीम दी है कि दीवारों को खड़ी मत करो, तोड़ दो दीवारों को, नफरत की दीवारों को तोड़ दो और मोहब्बत के पुलों को बना दो, ताकि एक बंदा दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात में पूरी करा अभी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातों को इस तरीके से पेश किए कि इंसान कहीं गुमराह हो नहीं सकता, कि एक तरफ तो
अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ये नबी जो है कुरान की कसम खा के अल्लाह फरमाते वल कुरान हकीम, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ इस हिकमत वाले किताब की कसम, बल कुरान लकुम इन नकल मिनल मुरसलीन, आप रसूल में सो अला सिरात मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीधे रास्ते पर है और हाजिर इमाम 1981 में जब अपनी जबान से लोगों के सामने नसीहत फरमाई कि सिरात अल मुस्तकीम पर चलो, तो उन बंदों को चाहिए कि अगर इस सिरात अल मुस्तकीम पर चलना है तो कुरान को फॉलो करे, नबी जी की जिंदगी को फॉलो करे। इंशाअल्लाह जो लोग कुरान की तालीम के लिए भी 1958 में, मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ कि 1958 में हाजिर इमाम ने कुरान के लिए तालीम के लिए कहा है, उसको समझने के लिए, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर सीखने के लिए कहा है, तो इंसान को चाहिए अगर वो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल से और सारे इमामों से मोहब्बत रखता है तो उसको चाहिए कि कुरान को फॉलो करे, कुरान को समझने की कोशिश करे, उस पर अमल करने की कोशिश करे, अपने अकलों के जरिए से नहीं। जिस तरह ईसा के जमाने में दो गिरोह बन चुके, ईसा ने कहा था इन्नल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है, व रब्बकुम, तुम्हारा रब अल्लाह है, फअबुदुहु, और उसी की इबादत करो, हाजा सिरातल मुस्तकीम, और एक तरफ कौम गफलत करने लगी, ये तो ये नहीं, ये तो अल्लाह का बेटा है। तो जो लोग ईसा की मानने लगे वो सिरात अल मुस्तकीम पर है, और जो लोग नहीं माने उनके हाथ से सिरात अल मुस्तकीम छूट चुका। इसी तरह मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहनों, जो लोग अल्लाह की मानते हैं, जो लोग अल्लाह की मानते हैं, उसके नबी जी की बात मानते हैं, अहले बैत की बात मानते हैं, औलिया किराम की बात मानते हैं, पीरों की बात मानते हैं, और वो सारे इमामों के जो सिरात अल मुस्तकीम पर चलते और चलाते हैं, वो सारे लोगों की मांग मानते हैं, वो सिरात अल मुस्तकीम पाते हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़ते हैं, उसके नबी को छोड़ते हैं, अहले बैत को छोड़ते हैं, औलिया किराम को छोड़ते हैं, सारे इमामों को छोड़ते हैं और सारे बुजुर्गान दीन को छोड़ते हैं, तो वो सिरात अल मुस्तकीम से हट जाते हैं। तो बस इल्तिजा यही है, बस अल्लाह से सब मिलकर दुआ करते कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको सिरात अल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम राहिमीन। अल्लाह सोही वसे जी जिने कायम उदर रचाई अल्लाह जी सुनावे मौला सुनावे का जी यह सृष्टि कौन रचाई ये भी।